आप लोग आ गए हैं। हेलो, हाँ सर, कितने साल पहले आए? क्या लाइट चली गई थी इसलिए आप लीव हो गए थे ना। लीव हो नहीं गए थे? मेरा नेट ही काम करना बंद कर दिया था। नहीं, लाइट चली गई इसीलिए नेट काम करना बंद कर दिया। हाँ आ गई ना? चलो हाँ आप पूरी विभाग गई। चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे? सीरीज पैरेलल हो गया है क्या? सीरीज पैरेलल हो गया है। हाँ सर चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो कल का आपने क्वेश्चन लिया था उसका आंसर क्या था? एसी वर्मा वाला, एसी हाँ वर्मा वाला। चलो बता देते हैं। हाँ बता देते हैं, बता दे। मेरा कुछ आंसर आया है। T1, देखिए ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है ना? हाँ सर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब हीट कहां से कहां तक फ्लो होगा? हाई टेम्परेचर से लो। यहां पे देखो कंडीशन दिया हुआ है, T1 इज मोर देन, ऐसे दिया हुआ। जान दो या आर होगा, ये बात समझ में आया? ऐसे या आर होगा या क्या होगा? आर बाय टू और आर बाय टू, ये बात समझ में आ रहा है? नहीं, गलत है। या आर होगा और या आर बाय टू होगा, ये बात समझ में आ रही है? या बताऊं कैसे? देखो वो सीरीज में ये यह लेंथ, ध्यान इधर, यह लेंथ और यह लेंथ आपस में सेम है, नहीं समझे? समझे। यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ आपस में क्या है? सब सेम है। तो देखो यह आपको याद होगा, मैंने कल बताया था आर इक्वल टू एल बाई के ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? तो देखो यह हाफ है तो आर बाई टू होगा, यह फुल है तो आर होगा, यह हाफ है तो आर बाई टू, आर और यह आर, कोई डाउट? और देखो यहां से हीट जाएगा, क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी वन। लेकिन इस जंक्शन से दो तरह हीट जाएगा, एक इधर जाएगा डी क्यू बाई डी टी टू और इधर होगा क्या? यहां तक क्लियर है आप सभी लोग? क्या यहां तक क्लियर हो आप लोग? चल इसको रफ करूं क्या? अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, क्या जानते हैं बेटा? डी क्यू वन बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी वन इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी टू प्लस डी क्यू बाय डी टी थ्री। क्या यहां तक क्लियर हो? अब डी क्यू बाई डी टी वन को क्या लिखेंगे? जान दो इधर, टी वन माइनस टी अपॉन आर,
यहाँ तक क्लियर हो या दिक्कत है? क्लियर। बोलेगा तू सब? सर वीडियो अटक रहा है। अब दिख रहा है? दिख रहा है? सब रहा है सर, लेकिन इससे अलग ही आवाज आ रही है। दिख रहा है ऐसा। सुनाई नहीं दे रहा है? तो बीच बीच में स्लो मोशन चला जाता है। हाँ हाँ, उस स्लो मोशन में पढ़ाता हूँ मैं। चल आगे देख। dq by dt 2 इसको हम क्या लिखेंगे बोलो? बोलो। t minus t 2 by r, t 2 minus t upon r plus r by 2। t minus t 2 होगा। हाँ, high temperature minus low temperature। r plus हाँ sorry sir। फिर इसके लिए t minus t 3। बोलिए बेटा। r plus r by 2। बोलिए। सर t 2 और t 3 का ज्यादा दिया था ना? हाँ, मैंने बोला सर t1 मोर देन t2 मोर देन t3 ऐसा। t2 और t3 का टेंपरेचर ज्यादा दिया था। t2 मोर देन t3 है। खुश? सही तो है। बढ़वा आ गए? कितना आ जाएगा? 3r/2 t minus 3r/2 plus। देखो r यहाँ पे भी, r यहाँ पे भी, r यहाँ पे भी, क्या बचेगा? देखो तो चलो यहाँ तक लिखो तो जल्दी। हो गया? रब करो ऊपर का। नीचे आने क्या आ गया? 2/3 कॉमन कर लेंगे। t माइनस t प्लस t माइनस प्लस t1 minus t equal to 2 by 3 2t minus t2 plus t3 लिख सकते हैं? हाँ। चलो मल्टीप्लाई कर दो। होगा इसको इधर ले लो सर, इतना करने से अच्छा था इधर घूमते रहता ना। क्या बेटा? 3 उधर भेज देना था ना। इधर भेज देना था? कहाँ भेजूँ 3 को? इधर बोल रही हो क्या? सर वो लेफ्ट हैंड साइड को भेजने को बोल रही है। वो कोई दिक्कत नहीं बेटा। खाना खाए हो ना? कौन? कितना आ जाएगा? 4t/3 plus t। सही है क्या? उम्मीद कर रहा हूँ एडिशन तो आता ही होगा बेटा। हो जाएगा बेटा।
तो टी का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो। क्या अगर समझ में आया हो तो तुमको समझ में आया है? हाँ सर। चलो बढ़े आगे। मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ। सेकंड स्टेप से नहीं समझ आया कैसे हुआ। अरे ऐड कर दिया। अच्छा हाँ सर। हाँ हाँ ऐड करके इस नंबर को इधर लेकर आया। चलो बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज एक कंडक्टर दिया है जिसका रेडियस ये है, क्या है? ठीक है, क्या है रेडियस? इसका लेंथ एल है। क्या निकालना है? थर्मल रेजिस्टेंस। निकाल सकते हो? निकालो। जल्दी निकालो। निकाल लिया? हाँ सर। कितना आया? स्मॉल है। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कंडक्टर है आप निकालो। क्या निकाले? आर थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होगा? L upon K pi b square minus a square। K pi b minus a square। b square minus a square। A square। इसका एरिया माइनस इसका एरिया। बढ़ो आगे। बढ़ो आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। इसका रेडियस बी है, निकालना है थर्मल रेजिस्टेंस। And it comes to 3, 2 by 3, 5. बनाओ। सर सेम आएगा एल अपॉन के। गलत। नहीं नहीं इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हाँ बेटा इंटीग्रेशन से बनाएंगे ना। हाँ इंटीग्रेशन से बनाएंगे, सही बात बोल रही हूँ। सेम आएगा ना।
देखो ऐसे ऐसा हो जाएगा सिर्फ या ए होगा और या दो क्यों कर रहे सर एक ही रहने दो ना इसमें बता दें इसमें बता दें पूरा एक साथ ही लेंगे ना पाई आर स्क्वायर नहीं सुनो ना मेरी बात x डिस्टेंस पे डी एक्स कट करेंगे बात समझ में आ रही है अब देखो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा ए इसको जेड मान लिए इतना को जेड मान लिए यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा बी माइनस ए यहां तक क्लियर हो नहीं हो यह ए है इसको हमने जेड माना यह है ए और यह है बी तो यह होगा बी माइनस ए कोई डाउट कोई डाउट बोलो हाँ या ना कुछ तो बोलो समझा सर अब देखो यहां पे दो ट्रायंगल है एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है दिख रहा है हाँ या कॉमन एंगल होगा या 90 डिग्री होगा हाँ यस तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाएगा मतलब एंगल 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 से दोनों क्या हो गया सिमिलर well. तो इसका हाइट डिवाइडेड बाय इसका बेस इक्वल टू इसका हाइट डिवाइडेड बाय इसका बेस हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड एल अपॉन बी माइनस ए कोई दिक्कत सर आप इतना क्यों ले रहे हो क्या हो गया लेंथ को भी x क्यों माना है सर बेटा x डिस्टेंस तो नहीं कर क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना एरिया निकाल रहे ना पाई आर स्क्वायर का रेडियस वेरिएबल है ना बेटा हर जगह यहाँ पे a है यहाँ पे a प्लस होगा यहाँ पे समथिंग a और ज्यादा होगा तो इंक्रीजिंग रेडियस है इनफिनिटीसिमल लेंथ का लेंथ l क्या है फाइनाइट नहीं दिया है यहाँ पे लेंथ l दिया है वो सबसे छोटी वाली जो लेंथ है बोलिए सर एकदम छोटी सेगमेंट का अगर हम पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाले तो वो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना पाई डी एक्स भैया एरिया आप कैसे निकालोगे बिना रेडियस का यह तो सर्कुलर है ना और उससे ए टू बी करेंगे सिर्फ इंटीग्रेशन मेरा का नाम है सही बोल रही हो लेकिन रेडियस के बिना कैसे निकालोगे आप सर रेडियस है ना हमारे पास कहाँ रेडियस है एक्स मानना है ना रेडियस को अच्छा हमें एरिया पार टोटल रेडियस को एक्स मान लिया है ना हमारे पास तो बेटा रे नहीं होगा ना यहाँ दो एक्स मानने वाले ना हम रेडियस को तो फिर इसको क्या मानोगे इसको क्या मानोगे हाँ रेडियस को एक्स मानेंगे ना चलो यहाँ पे एक्स मान लिया मेरी बात जान दो यहाँ पे एक्स मान लिया तो यहाँ पे भी x होगा क्या दिख ही नहीं रहा है किसको यहाँ पे x dl का कुछ मतलब ही नहीं है ना सर है? l का कुछ मतलब ही नहीं होगा ना क्यों नहीं होगा बिना l के बनेगा ही नहीं क्योंकि सर हमें पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी ना निकालना है एक एक सेगमेंट का निकालेंगे ना एक एक प्लेट का निकालेंगे ना प्लेट नहीं है सर यह प्लेट नहीं है नहीं सर आप नहीं समझ रहे मेरी बात यहाँ तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ
यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया? वो नहीं समझ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। आ गया सर। चलो यह हमने निकाल बोलो। नहीं सर। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं सुनो मेरी बात सुनो एक मिनट। या क्या है एक कस्टम। हाँ कस्टम है सही बोली। कस्टम का टोटल सरफेस एरिया डाले ना सीधा। कस्टम है। कस्टम में क्या होता है कि देखो या इसका एवरी क्रॉस सेक्शन पे एरिया चेंज होता है। हाँ। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? तो आप यहाँ पे x मान लोगे गलत है क्योंकि x यहाँ के लिए वैलिड होगा लेकिन यहाँ के लिए x नहीं होगा। तो हमें एक वेरिएबल टर्म में रेडियस निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे जेड वैरी है हर जगह जेड वैरी है। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे? जेड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? जेड। तो जेड का वैल्यू क्या होगा? इतना आ गया जेड का वैल्यू। लेकिन जेड का वैल्यू इन द फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि जेड चेंज होगा जब एल चेंज होगा। एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो जेड भी चेंज होगा। तो रेडियस क्या होगा? आर इक्वल टू ए प्लस जेड। तो आर इक्वल टू ए। जेड का वैल्यू कितना है? देखो यह हुआ आपका रेडियस। यह हुआ आपका रेडियस। अब इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यह आपका एरिया हो गया। अब हमें क्या एरिया निकल गया। अब क्या निकालना है? आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डी एक्स मतलब लेंथ थिकनेस अपॉन के इंटू ए। ए कितना होगा बेटा? ए वाला टर्म कितना हो जाएगा? ए कितना है? पाई ए प्लस बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। यह होगा आपका क्या? डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक। यहां पे कौन वैल्यू है? एक्स। तो यहां पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और यहां पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? एल। तो जीरो टू एल तक इंटीग्रेट करेंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब बोलो पौरवी क्या बोल रही हो बोलो। नहीं मैंने कुछ बोला। समझ में आया नहीं आया? पौरवी समझ में आया नहीं आया? फिर से बताओ। मुझे नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया बोलो हाँ या ना। नहीं फिर से लिख लो मैं फिर से समझाता हूँ। लिख लो मैं फिर से समझाता हूँ। चलो रफ करूं। एससी वर्मा में क्वेश्चन है। मैं फिर से समझा रहा हूं रफ कर दू ना। देखो क्या कहते हैं इसका नाम क्या है? क्रस्टम। क्रस्टम का पोल। इसका रेडियस कितना दिया है? ए। इसका रेडियस क्या है? बी। इसका लेंथ क्या है? एल। आप जो बोल रहे हैं कि पांडे सर आप यहाँ पे एक्स लेके रेडियस लेके कैलकुलेट कर लो नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है?
यह तब पॉसिबल होता जब सिर्फ एक वेरिएबल होता। यहां पे देखिए दो वेरिएबल है, जैसे जैसे यह लेंथ बढ़ेगा आप देख रहे हैं यह रेडियस भी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे दो वेरिएबल आएगा, यहां पे दो वेरिएबल आएगा, आप कभी भी एक वेरिएबल मान के नहीं बना सकते। फिर कैसे बनाएंगे, देखिए डायग्राम देखिए, आप एक ट्रेंगुलर शेप ले रहा है, यह कितना दिया रेडियस बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ? बी एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स कट किए, अब देखो यहां ध्यान इधर, यहां से यहां तक का रेडियस कितना है ए, यह वेरिएबल है इसको हमने माना जेड। अब बताओ यहां से यहां तक का रेडियस क्या है, यह कितना हो जाएगा? अब देखो यहां दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल ए वाला और एक बड़ा वाला, कोई डाउट? एक बात बताओ, यह एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? हाँ। यह 90 और ये भी 90, कोई डाउट नहीं? थर्ड एंगल ऑटोमेटिक सेम होगा, एंगल 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 से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका बेस जेड बाय एक्स, इसका परपेंडिकुलर बाय इसका बेस एल। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है z और x दोनों, x इक्वल टू सॉरी z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z का वैल्यू x के टर्म में आ गया। अब देखो रेडियस क्या होगा इस पॉइंट पे, रेडियस क्या होगा, r इक्वल टू a प्लस z, अभी भी डाउट है बोलो हाँ या ना? नहीं आगे तो कर। अब जेड कितना है वैल्यू निकाल चुके हैं, देन एरिया क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, हाँ सर। अब आइए फिर इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्या बेटा, जेड को हट गया, जेड का वैल्यू हमने पुट जेड को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, करेंगे ना, ऑफकोर्स करेंगे, नहीं करेंगे तो निकलेगा कैसे, हाँ तो लेकिन बोलिए। अब dr का फॉर्मूला क्या है, dr इक्वल टू dx थिकनेस, ए वाला थिकनेस अपॉन k इंटू ए वाला एरिया, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आइए इंटीग्रेट करते, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं, इंटीग्रेट करते हैं डी आर इंटीग्रेशन आता है, यह हमारा इंटीग्रेशन है, कैसे करेंगे भाई, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन कौन है, के और पाई कॉन्स्टेंट है, यह जीरो टू आर और यह जीरो टू एल, यहां तक कोई डाउट नहीं?
कितना आ जाएगा के पाई बाहर देखो इधर या नीचे से ऊपर जाएगा क्या लिख सकते हैं यस अब गाना गाना क्या है पावर में वन और पावर को और उसको मतलब इतना को क्या करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन यही आपका इंटीग्रेशन होगा अब इसको सॉल्व करें या कितना आ गया माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन यहां लिमिट भूल गया 0 to 12 यहां पे डायरेक्ट करूं देखो तो इधर यह ए क्या है रेडियस है जो कि कॉन्स्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 यहां पे कॉन्स्टेंट बाहर बचा क्या डीएक्स बाई डीएक्स तो देखो तो मैं लिख रहा हूं क्या सही लिखा हूं यस सर ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया नहीं आया आया देखो इसका डिफरेंशिएशन 0 या कॉन्स्टेंट बाहर डीएक्स बाई डीएक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो ये बच जाएगा अब देखो ये माइनस है माइनस को हटाएंगे तो लिमिट रिवर्स हो जाता है ऊपर खराब करो क्या बच गया क्या बचा L by B minus 1 ध्यान देना इधर 1 by ये माइनस था नीचे ले लिया कुछ स्टेप में भाग रहा हूं दिक्कत आएगा तो बोल देना मैं फिर से बता दूंगा L से 0 यहां लिमिट रिवर्स कर दिया हूं मैं नेगेटिव हटा के लिमिट रिवर्स कर दिया हूं इसको रफ करूं पुट करो वैल्यू इसको बाहर ले लो क्या बच गया वन बाय या 0 पुट करोगे तो टोटल टर्म 0 आ गया माइनस वन बाई ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एल एल से एल पेंसिल वन बाई ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए कितना बच गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई यह फॉर्मूला आ गया अब इसको आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो या फिर जैसे का तैसे रख लो कट जाएगा b माइनस ए वाला कट जाएगा ऊपर नीचे l अपॉन k बाई ए बी हाँ यही है समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया बेटा आया ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है देख सकते हो समझा सर एचसी वर्मा में है एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप बढ़ो आगे
दिशा यस समझ में आया बेटा थोड़ा थोड़ा आया सर समझ में बीच में दिख नहीं रहा था ना इसलिए नोट नहीं कर पाई स्क्रीनशॉट ले ली फिर स्वानंद हाँ सर तुमको दिख रहा है और भी हाँ सर चश्मा पानी है नहीं चलो आज की सेवा समाप्त करते हैं क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर टाइम कम बचा है टाइम कम बचा है क्यों क्या अब रह गया होलोस्फीयर होलो सिलेंडर इससे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है पूछा हुआ है पूछता नहीं पूछा हुआ है उसके बाद नीट का क्वेश्चन कर लेना हाँ सर उसके बाद झाल बजाना बैठ के उसके बाद हीट ट्रांसफर पर ये पढ़ा देंगे रेडिएशन रेडिएशन खत्म होते ही बचेगा क्या केटीजी केटीजी रेवा खंडे थर्मोडायनेमिक्स अध्याय समाप्त और इससे चार क्वेश्चन बनेगा भले आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो अलग बात है नहीं चलिए बाय डा मिलते हैं कल अगर रहे तो बाय सर बाय डा बाय डा